से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो बनते हैं तो आखिर में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो घर पर रहना है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहूँगी कि एक स्टडी आई है जिसमें ये सामने आया है कि घर से ही सबसे ज़्यादा कोरोना फैलता है। तो हो गया ना कन्फ्यूजन, बस इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना घर से सबसे ज़्यादा फैलता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ हम सभी को न्यूज़ तक को 70 लाख का परिवार बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एक स्टडी की जिसमें ये पाया गया कि कोरोना सबसे ज़्यादा घर से फैलता है। लेकिन ये स्टडी कौन सी है और इसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। यूएस की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अमेरिका में 5,760 कोरोना पॉजिटिव लोगों पर स्टडी की जिसमें पाया गया कि कैसे इनके संपर्क में आने वाले 59,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें ज्यादातर लोग वो थे जो इन लोगों के साथ रहते थे या इनके रोज संपर्क में आने वाले परिवार के ही लोग थे। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि 100 में से केवल 2 लोग ऐसे थे जिनको बाहर से यानी कि ऑफिसेस, ट्रेन, पार्क या दुकानों से कोरोना हुआ, बाकी 98 लोगों को अपनों से ही कोरोना फैला। यानी जिन लोगों को बाहर से कोरोना वायरस फैला उनसे उनके परिवार वालों को कोरोना हुआ और ऐसे में कोरोना की चेन लंबी होती चली गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO बार बार लोगों से अपील करता है कि जितना हो सके उतना घर पर रहें। लेकिन अब ये सवाल खड़ा उठ गया है कि कैसे घर पर लोग सुरक्षित रहें जब कोरोना घर तक पहुंच जाए या कोरोना अपनों से ही अपनों को हो जाए। आपको बताते चले कि कोरोना फैलता कैसे है। दरअसल जब किसी संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं तो उसे कोरोना हो जाता है। अमेरिका ने इस चौंकाने वाली स्टडी को दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर किया। यहाँ पर भी रिजल्ट कुछ अलग नहीं थे। इसके साथ ही बूढ़ों और 20 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना घर के बाकी सदस्यों से ही हुआ। आपको बताते चले कि दक्षिण कोरिया और भारत में सांस्कृतिक रूप से कुछ समानताएं हैं। जैसे यहाँ पर परिवार साथ में रहता है, बच्चों के साथ माता पिता और उनके अभिभावक भी साथ रहते हैं। एशिया में ज्यादातर देशों में संयुक्त परिवार का चलन है, लेकिन इससे खतरा तब पनप रहा है जब परिवार के एक सदस्य को कोरोना हो जाए। आपने दिल्ली, मुंबई और तमाम शहरों में ये देखा होगा, जब परिवार के एक सदस्य को कोरोना हुआ तो बाकी सदस्यों को भी अचानक से कोरोना हो गया। इस अध्ययन में शामिल और दक्षिण कोरिया के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर जियोंग उन क्लोंग के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे हों या बूढ़े, उन्हें सपोर्ट और केयर की जरूरत होती है और वो अपने बच्चों या माता पिता पर ही इसके लिए आश्रित होते हैं। ये अध्ययन कोरोना के शुरुआती दौर में किया गया ताकि देखा जा सके कि कोरोना फैलता कैसे है। उस वक्त अमेरिका और दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण पीक पर था और आज भी अमेरिका में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको अपना खास ख्याल रखना है, तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको अध्ययन के बारे में ही नहीं बताने वाले बल्कि ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले बाहर जाते वक्त मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऑफिस या बाहर से आ रहे हैं तो बिना किसी से गले मिले, बिना किसी से मिले अपने कपड़े बदलें और खुद को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद ही आप अपनों के साथ बैठें, चाहे वो घर के बच्चे हों या बूढ़े। परिवार के सदस्यों को भी हाथ धोने की नियमित आदत डलवाएं। बाहर से जब भी कोई फल या सब्जी लेकर आते हैं तो उसे अच्छी तरह से धो लें, चाहे नमक के पानी से धोएं या फिर गर्म पानी से। इसके अलावा कोशिश करें कि परिवार के बुजुर्ग सदस्य घर से बाहर ना निकले और बाहर अगर जाते भी हैं तो किसी जगह पर ना बैठें और बाहर किसी से भी 4 मिनट से ज्यादा बात ना करें। वैसे तो पूरी दुनिया भर में वैक्सीन बनाने का काम जोरों शोरों पर है, लेकिन जब तक वैक्सीन आती है और अगर वैक्सीन आ भी जाती है तब तक आपको अपना और अपनों का ख्याल खास तौर पर रखना है। इसके अलावा हमें तमाम कमेंट्स मिले कई लोगों के जिनका ये कहना था कि ट्रेन में सफर के दौरान क्या हमें कोरोना का खतरा है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत और तमाम तरह के मुद्दों पर आपने हमसे जानकारी मांगी जिस पर हम वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।